In بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد سلسله تفسير كي يا نشست نمبر 166 هي اور اس نشست میں انشاء الله سورۃ الحج کی ایت نمبر 42 تا 44 کی تفسیر ہوگی انشاء الله تعالی पिछली तीन नशिस्तों में भी इन आयत से मुतालिक कुछ बातें हमने आपके सामने रखी हैं आज की इस नशिस्त में भी اور ولي والی ایک دو نشیستوں میں انشاءاللہ اس سے متعلق مزید گفتگو ہوگی رب العالمين ارشاد فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مدينة وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ इस आयतक रिमा से मुतल हमने पिछली नशि में जो आ ये बात बताने की कोशिश की कि अल्लाह रब्लम ने फरमाया व अहब उम अहबुल मदीन और अहबाल शुब असलातम ही की कौम है ये दो मुस्तकिलग अलग अलग कौमें नहीं हैं ये एक ही कौम है इससे मुतल हमने जो इश्काल कुछ असाब इल्म के तरफ से वो भी आपके सामने जिक्र किए और उसका हमने अल्लाह ताल की तोफ़ी उस फजल हाफिज़ हाफ़ इब्बनक़िर और इब्न हजर व दीकर मीन के हवाले से उसका हमने इजारा भी किया तो आज की इस नशे में जो मैंने गुजत नश में कहा था कि जो है दो अहम तंबी हैं तंबीहात हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा इन सबसे पहली बात यह है कि पिछली नशे में जो बात हमने इस बात को जिक्र किया था कि कुछ असाब इल्म ने कहा कि जो है असाब मदीन और अहब उलई वो एक ही उम्म है दो जुदा जुदा उम्मत हैं ये कुछ असाब इल की तरफ से इश्काल था इस सिलसिले में एक यानि रिवायत भी हमें मिलती है जैसे कि हाफिज़ कसीर इबनकर अपनी तफसीर में और जो है आपकी जो मरूफ किताब है व निहाया उसमें शुाब सलाम का जो तर्जमा है उसमें अब्दुल्ला बिन आमर बिन आश रज़ी अल्लाहम की तारीख़ से एक रिवायत लाए हैं हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने इस रिवायत से मुतालिक कहा कि इब्न रहमतुल्लाह ने इसको अपनी तारीख़ में लाए हैं यानी तारीख़ दमश में लेकिन जो तफसीर इब्न कसीर यहाँ से छपी है जो दुबई से जो हमारे पास मुहक़ नुस्खा है यहाँ पर रखा हुआ है तो आ, उस नुस्ख़े में उस नुस्ख़े के जो महकें हैं उन्हें उन्होंने तो ये बात कह दी है कि जो है तारीख़ दमिश जो फ़िलहाल मतबू नुस्खा है कामिल उसमें तो ये रिवायत नहीं है ताहमिदाया तोया जो दारुल कसर से हमारे पास एक महक नुस्ख़ा है शेख बशार अवाद हाफिजाल्ला दक्तूर बशार अवाद हाफिजा उनकी तहकीक से उन्होंने ये तो नहीं कहा है कि जो है जो तारिक दिमिश मुकम्मल है ालिबा फिलहाल अस्सी जल्द में जो छपी है उसमें नहीं है ऐसी उन्होंने नफी तो नहीं की लेकिन उसका तकाज़ा यही है वो है कि उसकी नफी हो रही है जो उन्होंने लिखा है उन्होंने मुख्तर तारीख़ दिमश का हवाला दिया कि उसमें ये रिवायत मौजूद है मख्तसर तारीख़ अल्लामा इबन मंज़ूर जो साहिब अलिसब हैं आ, उनका इख्तार करता है और वह इकसारत में अल्लाह तारा आपको माशा काफ़ी शुरु क़वत अदा फ़रमाई है काफ़ी सलीका आपको अदा किया है इब्न मंजूर रहा को मख्तरात में उलूम से मुतल तो वो भी अशामिला में मौजूद है तो अशामिला में जब मैंने चेक किया क्योंकि मेरे पास तो किताब नहीं है तो तो मुख्तसर तारीख़ दिमिश में है दिमिश जो है उसमें यह रिवायत निकल करके आई तो हाफिज़ बिन कसी रहा ने तारीख़ दिमश का हवाला दिया है कि उसमें रिवायत मौजूद है अब्दुल्ला बिन बिन आश से इस रिवायत का दर्जा क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा लेकिन पहले ये सुन ली कि उस रिवायत का में जो मतन है वो वो क्या है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये नस्बत दी गई है कि आपने ये फ़रमाया कि अब मदयन व अहबाबलकात बाहैाइबनबीआसम के अहबालाईका और अहबाब मदयन दो जुदा जुदा उम्मत हैं शुब अलीसलम तो कोल्ल रबालमी ने इन दोनों की तरफ नबी बना करके भेजा ये रिवायत है हाफिज़ हाफ़नकिरल्ला ने अपनी तफसीर में इस इस हदीस को जिक्र करके आपने ये कहा आपने एक तो बात ये कही कि जो है हादा गरीब और साथ में आपने ये भी कहा कि व ही नजर और एक तीसरी बात आपने ये कही कि वल अशबाह मौकूफ़न आपने ये कहा कि जो है ये रिवायत जिस सनत से जिस तरीक़ से हम तक पहुँची है वो आदद के केबार से गरीब रिवायत है दूसरी बात यह है कि जो है इस रिवायत में जो रसूल सल्हम की तरफ जो इस इस हदीस की जो इसनाद हुई है कहा कि वो महल नजर है यानी यह या हदीस मरफू नहीं है इस हदीस का मतन बता रहा है इस हदीस का खुलासा ये है कि ये यह हदीस जो है मतलब गोया ऐसे मालूम होती है कि मौकूफ़ रिवायत है अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस पर यह मौकूफ़ है हाफ़िज़ इब्न कसीर राम इस रिवायत को अपनी अलबिदाया और नहाया में भी शुब आसमाम के तर्जे हायत मिले हैं है। लेकिन वहां पर आपने एक ज़ायद बात यह कही है कि वफ़ी रिचा लही मंतकुल्ली मफ़ी कहा कि इस रिवायत की जो इसनाद है उसमें जो रूवा हैं कुछ ऐसे रूवात हैं जो जिन पर अहले इल्म ने नक़द किया है कलाम किया है अब उसमें कौन कौन रवात हैं उस्मान बिन अबी शेबा रहल्ला के ऊस्मान बिन अबी शेबा रह की तरीक़ से वो रिवायत है यानी मोहम्मद बिन उस्मान बिन अबी शेबा वो अपने उस्मान बिन अबी शेबा से वो मुआविया बिन हिशाम से वो हिशाम अब्नसाद से वह सईद इब्न अबी हिलाल से और वो रब़़िया बिन सैफ से और रबिया बिन सैफ़ अब्दुल्ल बिन अमर बिन आज से रिवायत करते हैं यकीन इसमें रबिया बिन सैफ हैं और जो है हिशाम बबिनसाद हैं इन सब पर कदर कलाम में खूस जो है रबिया बिन सैफ़ पर इमाम बुखारी हैं याहि अबन है दीगर असाबिल में भी इन पर कलाम किया है तो बहुत मुमकिन है इसी तरफ इशारा किया हो हा, हाफिज़ बिन हाफिजबिनकसिर ने क्योंकि आपने मजीद कुछ अल्फाज अल्फाजायदायद नहीं कहे हैं अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अनुमा से मुतल ये मारूफ वज़िया है कि जो गज़लतरमुख यरमुक का जो जसवा है यरमुक जो है मतलब उनके शाम में वाक़ है वो अमर बिन खत्ताब रजील के दौरे खिलाफत में वो गजा वाक़ हुआ था पंद्रह हिजरी को और रजब की पाँच तारीख़ थी और इतफाक़ देखी आज भी रजब की पाँच तारीख है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ उसमें मुतदा थे अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस के वालद अमर बिन आस रजील् उनका भी एक ख़ास रोल था उसमें तो अब्दुल्लबिनर बिन आस भी उसमें थे और फिर उस यानी फतवाहत के बाद अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजीम ने दो थैले भर करके जो है आप काफ़ी किताबें लेकर के आए थे जो जिस जो इसराइलियात से पुर हैं जो इसराइली रिवायात से पुर हैं मानो कजिया है अब्दुल बिन, बिन आस को लेकर के तो बहुत मुमकिन है कि ये उन्हीं में से हो जिसे आपने बयान किया है अब्दुल बिन, बिन आस ने अमरबिननास नेम ये ख़ुलासा है हाफि बिन कसीर का रहा तो इस सिलसिले में ये जो रिवायत है कि इन असहाब मदीन व अहबलई का उम्मतान ये अल्लाह के रसूल से बसन सही साबित नहीं है ये एक तंबी करनी मकसूद थी आज की इस नशिस्त में एक दूसरी तंबी जो आज की इस नशिस्त में करनी है वो ये कि हमने गुजशा नशिस्त में जो बात रखी थी आपके सामने कि जिन अब इल्म ने ये कहा कि अहब मदीन और अहब अलाईका दो जुदा जुदा उम्मतें हैं दो जुदा जुदा, जुदा कौमें हैं इस सिलसिले में उनका एक नुक़ः नज़र ये था न्यूज़ मिली उनकी एक दलील ये थी कि अल्लाह सुबहान तौम शुआब पर जो अजाबात बताए हैं वो हर जगह पर अलग अलग लफ्ज़ हैं किसी जगह पर रजफा किसी जगह पर असया किसी जगह पर जो है अजाबयम गिल्ला हमने इस बात की भी आपके सामने वजाहत कर दी कि जो है ये दरअसल शुब आ का जो किस्सा है जहाँ जहाँ अल्लाह ने ज़िक्र फ़रमाए वहाँ शुब आल की कौम का जुर्म या उनकी नाफ़रमानी का जो अनसर अल्ला रब्लॉमी ने वहाँ बयान फ़रमाए उसी कबील से अलज़ा उमिन जनसल अमल के तहत एक अल्ला रब्लमी ने सजा वहाँ पर बताए हैं इससे ये लाजिम नहीं आता कि जो है मतलब वो जो दो दो जुदा जुदा क़ौमें हैं वरना तीन कौमें बन जाएंगी वो और ये किसी किसी ने भी बात नहीं कही कि तीन कौमें थी खैर इस तनाजुर में एक आयत करीमा जो सुरत हूद की है जिसे मैंने कहा था कि अल्लाह रब्लम ने शुब्म के कौम से मुतल कहा शुब्लम और आप पर ईमान लाने वालों से मुतल कि वलम ज अमरुना नदीना शुहैबन व लजी आन मन्ना व अखदत लदी तो अल्लाह सुबहान तौर ने की कौम पर वहाँ जो अजाब सुनाए हैं जो सूरत हूद के आयत करीमा है कि एक 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 ज़बरदस्त चीख ने उन्हें आ पकड़ा एक चीख के ज़रिए से उन्हें हिला किया गया तो सूरत हूद में एक चीख़ का ने बतौर अजाब का जो जिक्र फरमाए हैं वो किस सिया में वहाँ शुयब आसमाम की कौम का कौन सा जुर्म बयान किया गया वो है इसतजा उनकी कौम का ये कहना कि कल या शुाइब असौलात का तमरुका अनुका माया अब आबाऊना और फ़ालफ अमाल मशा अन नकलांतल हलीमशीद शुब अलीसरतम का जो इसतज़ा हुआ है कि इ नकल अंतल हलीमशीद एक नबी का मजाक है ये इस मजाक के अल्लाह सुबहान त्या में वो खास तरह का आज़ाब बयान फरमाए कि जिस तरह से वो बदनी और ज़ुबानी हरकतों से मजाक कर रहे थे उनकी हरकतों को एकदम साकित कर दिया गया असहा के ज़रिए से एक जोदा चीख के ज़रिए से तो ये जो इ नकल अंतल हलीमशीद है नकल अंतल हिमलत हलीम, हलीम इमाम बुखारी राम अपनी अलजाम सही की किताबो अहादिश लम्बिया में एक बाप सूरतुलआरफ़ की आयत करीमा का एक हिस्सा बतौर तरमतलबाप के क़ायम किए व इलामदीना अखा हम शाइबा उस बाप के तहत कोई हदीस कोई ख़ास वाक़ तो नहीं दर्ज फरमाए लेकिन कुछ आयात और हसन नामी एक साहेब का आपने क़ल ज़िक्र किया है कहा कि काल हसन इन न कल अंतल हलीम कहा कि यज़ी ऊन अभी कि हसन ने कहा कि इस आयत करीमा में जो उनकी कौम के लोगों ने कहा ना इ नकल अंतल हलीम और रशीद कहा कि यह सहज़ी ऊन अभी वो आपका मजाक करते हुए बात कही अब वह हसन कौन है मज़ीद सलाहत नहीं है कि वह हसन बिन बेना हसन अल्बसरी हैं या कौन हसन हैं लेकिन हाफिज़ इब्न हजरमल्ला ने फतहुल बारी में इस बात को ज़िक्र फ़रमाए कि इमाम बुखारी रहा ने जो हसन नामी साहिब से मलक रिवायत जो लाए हैं वो हाफ़िज़ इबन अबी हातिम राजी रहा की जो तफसीर है तफसीर तफसरकुर नज़ीम उसमें ये रिवायत मौसूला है लेकिन आपने वहाँ पर मुजमल गुफ्तगु की कहा कि इबन अबी हातिम और राजी रहा ने अजतरीक़ अब अबुलमली है अबुलमलियाह एक साहेब हैं कहा कि उनके तरीक़ से लाए हैं और अबुलमलीह किस से रिवायत करते हैं हसन से रिवायत करते हैं यानी गोये के हसन बिन अबिल हसन अल्बरी से रिवायत करते हैं कौन अबुलमलिया ये बात जिक्र की है और इब्न अब हातिम इब्न हजर रह जो किताब है तख्लीत तारीख़ जो पाँच जल्दों में है हमारे पास मारूफ नुस्खा है इसमें गलिबा जील्द नंबर चार की बात है और बिल्कुल आगाज़ आगाज़ में वहां पर तो आपने तफसील से गुफ्तगु की और पूरी सनत जिक्र कर दिया आपने तफसर इबन अबी हातिम राजी के हवाले से और कहा कि इबनो अबी हातिम राजी राज ने इस मुल्ल रिवायत को मौसू ही किस सनत से कहा कि अपने उस्ताद अल मिसवर इब्न शाहजान नाम याद रखेगा कि आपने इब्न अबी हातिम राजी के उस्ताद का जो नाम जिक्र की है कहा कि अल मुंजिर इब्न शाहजान और वो अपने उस्ताद जकरिया इब्न आदि से और वो अपने उस्ताद अबुल मलीह से और अबुल मलीह हसन बिन अबिल हसन बसरी से इस तरह की सनत जिक्र की हैं तगलीक तारीख में चूंकि अल्लाह के फल करम से मैं यानी जिस किताब में भी कोई बात पढ़ता हूँ और उसमें जिस किताब के हवाले से जो बात जिक्र की जाती है मैं असर की तरफ मुराजा करने की कोशिश करता हूँ यही इलमी और फनी तरीक़ा है यही हमारे असलाफ से हमें ये चीज़ विरासत में मिली है तो इस एतबार से मैं तख्लीक़ोत तारीख और हाफिज़ इन हाज़िर राम की फतहुल बारी में ये बात पढ़ने के बाद तफसीर इब्न तफ़ीर इब्नबि हातिमी जो चौदह जिल्दों में मेरे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह अलहमदिल्ला अब्दरहन इब्नबिला हातमी रहा की उसमें मैं इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद जो सूरत सुरतहूद की आयत करीमा है उसमें मैं जो आसार आपने नकल किए हैं उस ज़िमन में ये कौल भी मौजूद है कि यजी नबी वाली बात और पूरी सनद भी मौजूद है उसमें उस सनद में जो अबुल मलीह नामी साहब हैं अबुल मलीह, उनका नाम क्या है मैं आगे बताऊंगा आपको अबुल मलीह मैमून इब्न महरान से रिवायत करते हैं हसन बिन अल बसरी से नहीं हाफिजन ने फतहुल बारी में भी अबुल मलीह का हसन बिन अबिलहसन अल्बरी से रिवायत करना बताए हैं इब्न राजी की तफसीर के हवाले से और तखलीकालीख़ में तो पूरी सनद ही वहाँ पर जिक्र कर दी है और उसमें अबुल मलिया का ये बताए हैं कि वो हसन बिन हसन बसरी से रिवायत करते हैं और इमाम बुखारी ने कहा ना कि जो कौल हसन तो कहा कि उस उस हसन से मुराद हसन बिल हसन अलबसरी अल मुराद है रहम्ह लेकिन तफसी बिनब हातिमर राज़ी जो मदबू तफसीर है हमारे पास जो मदबू नुस्खा है उसमें महमून नब्न महरान का नाम है महमून नब्न महरान अब एयूब जो असलन कोफा के हैं जो मुल्क शाम का ऊपरी हिस्सा है तुर्की के करीब हल्ब का जो शिमाली गर्ब है वहाँ पर यह इलाका है शिमाली गर्ब नहीं बल्कि शिमाली मशरक़ वहाँ पर यह इलाक़ा आता है अर वहाँ के रहने वाले हैं मुल्क शाम के एक सौ सत्रह हिजरी गालिबनसन वफात है आपका तो ये जो रावी हैं मैमून अबिन उन 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 महरान उनसे रिवायत करते हैं अबुलमलिया हसन बिन हसन बसर का नाम नहीं है वहाँ पर गौरतलब बात की है कि हाफिज़ अबुल अबालजाज अलमज़ी राम की जो तहदीबुल तहदीबलकमाल फ़यासमाय रिजाल है उसमें मैमून इब्न महरान के तलामिज़ा में अबुल अबुलमलिया का नाम आता है अबुल अबुलमलियाह का जो नाम है वो नाम है हसन अब्न अमर या हसन अब्न अमर गालिब नाम यही कि हसन अब्न अमर नाम है आपका अब वब्दुल्ला कुनीत थी आपकी लेकिन अबलीह इस इस कुनीत से आप मशहूर हो गई है गालिब आ गई एक सौ इक्यासी हजरे है आपका एक सौ असि पर एक हजरे ज़रा ध्यान दीजिएगा आप इस बात पर कि जो मजबूत तफसीर है उसमें मैमू इब्न महरान की तरफ नस्बत है ये इस कौल की नस्बत उनकी तरफ है कि वो इसके कायल हैं कि यस्ता उन अबी वाली बात और मैमून इब्न महरान से रिवायत करते हैं अबुलमलिया जैसा कि इब्न हजर ने कहा रह के अबुल मलियाह का जो नाम है वो हसन बिन हसन बसरी अबिल हसन बिन अबिल हसन अल बसरी से रिवायत करते हैं ये और बात है कि हसन बिन अबिल हसन बसरी का नाम नहीं है महमून इब्न महरान का नाम है इब्न महरान से रिवायत करने वाले अबुल अबुलमललिया हैं और अबुल अबुलमलिया का जो नाम है वो है हसन बिन उमर वो भी अर्रका के रहने वाले हैं तो इस एतबार से बहुत मुमकिन है क्योंकि हसन बिन अबिल हसन अल्बरी राम के तलामज़ा में अबुल अबुलमलीलियाह का नाम नहीं है ना अबुल अबुलमलीह के इस में हसन बिन अबिल हसन बसरे का नाम आता है जबकि इसके बरक्स आप देखिए मैमू इब्न महरान के तलाम एजा में अबुलमलिया का नाम आता है और अबुल अबुलमल रम्ह के अज़ा में इब्न महरान का नाम आता है तो ये कौल दरअसल मैमोन इब्न महरान का कौल है हसन बिन अबिल हसन अल्बसरे का कौल जो है तफस अब्नबिहाती राजी में तो मशकूर नहीं है इस सिलसिले में मैं मौसुतुल तबसरमासूर उसकी तरफ भी मुराजा किया मैं तो उन्होंने बड़ी अच्छी तोजीह की उन्होंने एक तो तखलीक तालीख़ वाली बात भी नकल की और दूसरी बात इब्न इब्न हजर रहमा की बात भी उन्होंने नकल की जबकि मैं ये सारी बातें पहले से पढ़ लिया था मैं अलहमदिल्ला लेकिन जब मैंने मुराजा किया तो एक ज़ायद बात उन्होंने लिखी एक तहलील के मसले की उन्होंने उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया कि ये जो अबलीह अबुल हैं अबुलमी उनका नाम है हसन हसन इब्न उमर बहुत मुमकिन हो कि ये हसन बिन उमर का ये क़ौर इस तनाजुर में मशहूर हुआ हो जो इमाम बुखारी रहा ने क़ाल हसन कहा हो तो बहुत मुराद है बहुत मुमकिन है कि यही मुराद हो अल हसन से मुराद क्योंकि इनका नाम अल हसन है अल हसन उमर बबिनर आपके अबुल मली है इसी से आप मशहूर हैं यही गालिब है वैसे असलन आपकी अबू अबूबिल्ल है लेकिन ये जो हसन बिन उमर हैं जिनकी अबुल मली है वो मैम अबिन महरान ही इसे रिवायत करते हैं दिलचस्प बात यह है कि मलीह ये जो साहेब हैं उनके उनसे उन, उन एक तबका पहले एक और साहेब हैं जो इसी कनिया से मशहूर हैं अबुलमललिया मलीह लेकिन उनका नाम था उसामा उसामा अल अलदली और उनका सन्न वफात हिजरी है यानी कि वो मैमून इब्न महरान और हसन बिन अबिल हसन अलबसरम्ला के अकरान में से हैं उनके हम लोगों में से हैं उनके हम तबका हैं वो और ये जो अबू अबू अब अबलिया उसामा हैं उनकी कोई रिवायत जो है इनसे नहीं है ना मैमून महरान से है ना हसन बिन अल बसरी से है तो इस अतबार से ये मलिह जिनका नाम हसन इब्न उमर है यही रिवायत करते हैं मैमून इब्न महरान से तो ये कौल जो मदबू किताब है उसमें तो मैमून इब्न महरान से है उनसे रिवायत करने वाले जो साहिब हैं उनका नाम तो हसन है हसन इब्न अमर लेकिन अबुल मलिया है बहुत मुमकिन है इस सिलसिले में कोई खास मामला रहा हो नासिक की तरफ़ से व्लम आ, या फिर देखना पड़ेगा कि हसन में अबिल हसन बसरो से भी ये कौल जो है मतलब हो और दीगर किताबों में हो लेकिन जो इब्न हजर राम ने बतौर हवाला मौसू जिस बात का जिक्र की है उसमें तो हसन बिन अबिलसनबर का यह कौल क़तान नहीं है जो मैंने तोजी आपके सामने की कि बहुत मुमकिन है अल हसन अब्न वाली जो बात है बहुत मुमिन इमाम ने उनके हवाले से यह लिखी हो हाफिज़ इब्न हजर रह ने तख्ली और तारीख में जैसे कि मैंने कहा कि पूरी सनद ही आपने ज़िक्र कर दी है इब्न अब्दुलरमिहातर राजी र के हवाले से कि वो रिवायत करते हैं किन से वो मिसवर अल अल मिसवर मिसवर इब्न शाजान से और वो ज़करिया इब्न आदि से ज़करिया इब्न आदि वो तो फ़िकार आवी हैं शेख़ैन के रूबात में से हैं लेकिन उनसे रिवायत करने वाले अल मिसवर इब्न अल मिसवर इब्न शाजान वाली जो बात है ये नाम भी दुरुस्त नहीं है बहुत मुमकिन है ये भी तबाहआत की जो है मतलब ग़लती हो या किसी तौर पर जो है मतलब हाफिजन हाजर रहम्ला की जो खदमात हैं जो वसात है एक ऐसा समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं है इतनी अजीम आपकी खिदमत है तो ऐसे में जो है बहुत मुमकिन हो किसी हद तक आपसे सहू हुआ हो यह तबाहत की गलती भी हो सकती है लेकिन शामिला में और दीगर नुस्खों में जो हमारे पास मौजूद है का उन सबों में अलमिसबन शाहजान ही नाम है जबकि असल नाम जो है अल अलमंजिर इब्न शाहजान है आप देखिए ख़ुद अब्दुलरहमान अबिनी रहा की जो किताब व तादिल है उसमें मंजिर इब्न शाहजान का नाम तो नहीं है लेकिन आ, उनके उस्ताद जकरिया आदि का नाम है जकरिया इब्न आदि रहा की तोसीख़ से मुतल आपने इन्हीं के हवाले से लिखा है मुंजिर इब्न शाहजान के हवाले से और मुंजिर इब्न शाहजान का नाम कसरत से आपको मिलेगा अब्दुलरहमान हातिम हादम रहा की कितल जरिए व तादी में ख़ुलासा एक कलम यह है कि जो बात वहाँ पर ज़िक्र की गई है इमाम बुखारी रहा की तरफ से मुल्ल रिवायत अल हसन और वह हसन से मुराद कौन है इमाम इबन हजर राम ने जिस किताब का हवाला दिया अपनी तकलीफ़ में या जो है फतलबारी में अब्दुलर हातिम राजी की तफसीर में उसमें हसन बिन बिनिल हसन रहा का एक कौल नहीं है, है। अबुल मैमानलिया रिवायत करते हैं और का नाम हसन उमर है आ, वो उनसे रिवायत करते हैं तो इस सिलसिले में तो इसलिए इस तरह की चीज़ों को पढ़ेगा वो तफसी तौर पर हर की तरफ की तरफ मुराजा करेगा तो उसकी उसकी आसानी के लिए मैंने सारी बातें आपके सामने जिक्र कर दी हैं अल्लाह दुआ है कि अल्लाह रब्लम हमारी इस नश्त को हमारे इस हमारे वालदे हमारे खुल माविन मुशाहिदीन हमारी एहलिया के लिए हमारे फ़र्जंदान के लिए हमारे लिए अल्लाह ताला जख़ी आखिरत करे हमारे हसनात में शुमार फरमाए हमारे लिए कपार से याद कर दे सुबह शोल असतफ रुका वह तो बिल्कुल